की सबसे बड़ी खबर, भाजपा के पडोले राष्ट्रवादी कांग्रेस के कारो मोरे ने दाखिल किया पर्चा, भाजपा एवं कांग्रेस में हुई बगावत। चरण वाघमारे के टिकट कटी, तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने आखिरी दिन भाजपा के प्रदीप पडोले, राष्ट्रवादी के राजू कारे मोरे के साथ ही अन्य लोगों के नामांकन दाखिल। भाजपा द्वारा वर्तमान विधायक चरण वाघमारे की अंतिम क्षणों में टिकट कटी जाने से एक ओर खुशी की लहर गूंज उठी तो दूसरी ओर वाघमारे के समर्थकों में मातम सा छाया हुआ था। राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा गुरुवार को राजू कारो मोरे के नाम की घोषणा किए जाने के बाद दिन भर भाजपा प्रत्याशी को लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन प्रत्येक क्षणों से नए नए चेहरे के नाम का उल्लेख किया जा रहा था। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। पालक मंत्री डॉक्टर परिणय फुके ने साकोली से भरा उम्मीदवारी आवेदन। फुके ने कहा, मुझे 15 दिन दो, मैं 5 सालों में विकास कर दूंगा। महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले के 7 विधानसभा सीटों में भाजपा का परचम फैलाने का लक्ष्य लेकर दोनों जिलों के मध्य की सीट साकोली विधानसभा से मैदान में कूदे। इन दिनों जिले के पालक मंत्री डॉक्टर परिणय फुके ने शुक्रवार को साकोली से चुनावी नामांकन भरकर 7 विधानसभा सीटों के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जान फूंक दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पक्ष के आदेश के बाद चुनाव में कूदे परिणय फुके को देखकर भाजपा में जोश और उत्साह का वातावरण निर्मित हो गया। नामांकन के बाद रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं साकोली क्षेत्र वासियों ने अपने मंत्री के रूप में मिले उम्मीदवार का जोरदार स्वागत किया। गोपाल अग्रवाल ने दिखाया लोकप्रियता का दम। 50,000 की भीड़ के साथ भाजपा उम्मीदवार के रूप में भरा नामांकन। गोंदिया विधानसभा में चुनावी महायुद्ध अब पूरे आक्रमण मोड पर आ गया है और पिछले 27 वर्षों से गोंदिया की आम जनता के बीच गहरी पेट रखने वाले विधायक गोपाल दास अग्रवाल ने फिर एक बार राज्य विधानसभा चुनाव में नामांकन फॉर्म भरने के अंतिम दिन अपनी ताकत और लोकप्रियता से क्षेत्र वासियों को परिचित करा ही दिया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद आप मेरे साथ देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और खबरें देख सकते हैं। साथ ही साथ लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।